हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। राकेश रोशन की कौन थी क्रिश 4 की एक्ट्रेस की पहली चॉइस? कौन कौन होगा क्रिश 4 में? फिल्म निर्देशक राकेश रोशन जल्द ही क्रिश फ्रेंचाइजी की सीक्वल की तैयारी में लगे। वो पहले ही इसको लेकर तैयारी कर चुके हैं। अब इस बीच खबर आ रही है कि अभिनेता ऋतिक रोशन जल्द ही क्रिश 4 में शूटिंग में सुपर हीरो के रूप में वापसी करेंगे। खबरों के मुताबिक इसकी शूटिंग इसी साल जून में शुरू हो जाएगी। अब इस फिल्म के तीनों पार्ट सुपरहिट रहे। दर्शकों ने ऋतिक को सुपर हीरो के तौर पर फिल्म में खूब प्यार दिया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में किसी नई अभिनेत्री की एंट्री हो सकती है। अभी राकेश रोशन और ऋतिक ने ये फाइनल नहीं किया कि क्रिश 4 की मुख्य अभिनेत्री कौन होगी, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण लीडिंग एक्ट्रेस हो सकती है। हालांकि अभी तो ऋतिक अपनी आगामी फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग में बिजी है और दीपिका के साथ फाइटर की शूटिंग शुरू कर देंगे। क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने पहले कहा था कि इसके कोरोना खत्म होने के बाद बनाया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी और भव्य फिल्म है। इसके लिए इसमें VFX और एनिमेशन का इस्तेमाल होगा और ये एक्शन से भरपूर होगी। कोई मिल गया क्रिश फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी, जिसे 2003 में रिलीज किया गया। अब इसके बाद क्रिश 2006 में, क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण फिल्म फाइटर में पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। खबरों के अनुसार फाइटर की शूटिंग करीब 100 दिनों की है, जो कि इस साल के आखिरी तक खत्म हो जाएगी। फिल्म को लेकर नया अपडेट ये है कि 28 सितंबर 2023 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में ऋतिक और दीपिका के अलावा सुपरस्टार अनिल कपूर भी होंगे। इसके साथ आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म यानी क्रिश सुपरहिट फिल्मों में से एक रह चुकी है। दर्शकों को ये फिल्म खूब ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते हुए भी नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्रिश में फीमेल लीड के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद प्रियंका नहीं बल्कि मैं हूना की एक्ट्रेस अमृता राव थी। साल 2006 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमृता राव ने बताया था कि उनके और ऋतिक रोशन के बीच केमिस्ट्री कुछ खास जम नहीं रही थी, इसलिए अमृता ने फिल्म छोड़ने का डिसीजन लेकर फिल्म छोड़ दिया। अमृता ने कहा, ऋतिक और मैंने फोटो शूट भी कर लिया था, लेकिन हमारे बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल गायब थी। मैं ऋतिक के साथ काफी छोटी नजर आ रही थी। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में वही मिलता है जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। इंटरव्यू में अमृता ने ये भी जिक्र किया था कि उन्हें बस इस बात की खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आया। तब अमृता ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जल्द ही वो राकेश रोशन के साथ काम करें, मगर उनकी ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पलक आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए